यार मून नाइट सीरीज अब खत्म हो चुकी है और मैं इस वीडियो में आपको इस सीरीज की फिफ्थ एंड सिक्स्थ एपिसोड्स की ब्रेकडाउन एंड शॉर्ट रिव्यू दूंगा और साथ ही साथ मुझे मून नाइट सीरीज कैसी लगी ये भी बताऊंगा। तो यार इस सीरीज का फिफ्थ एपिसोड शुरू होता है डॉक्टर हेरो के मार्क से बात करते हुए और इस सीन में मार्क को चोट लगी हुई है और डॉक्टर हेरो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हिप्पोपोटामस के बारे में भी पूछ रहे हैं और साथ ही साथ वो किसी लड़के के बारे में भी पूछते हैं। अब मार्क हिप्पो तक तो नॉर्मल ही था पर लड़के की बात आते ही वो अपना कंट्रोल खो देता है और उसी टाइम सीन स्विच होता है फोर्थ एपिसोड के एंड सीन पर। अब यहाँ पर जो सीन स्विच हुआ उसका माहौल बहुत अजीब था। मार्क अपना स्टोरी डॉक्टर हेरो को बता रहा है या फिर स्टीवन को या फिर मार्क का तीसरा पर्सनालिटी अपना स्टोरी स्टीवन और डॉक्टर हेरो को बता रहा है। ये सारे केसेस इस एपिसोड में बहुत कंफ्यूजन ला रही थी। प्लस एक और अजीब बात यहाँ ये हो रही थी कि मार्क की चोट स्टोरी बताते बताते गायब हो जा रही थी। खैर अब दूसरी तरफ अपनी हिप्पोपोटामस यानी कि टावरेट मार्क को ये बता रही है कि वो सच में मर चुका है और अब उसकी बॉडी डूवाट यानी कि इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड में है जहां वो उसे आफ्टर लाइफ की तरफ ले जा रही है। यही मार्क और स्टीवन के हार्ट बैलेंस हो रहे हैं और अगर जहां स्किल्स बैलेंस हो गए तो वो सुकून के मैदान की तरफ जाएगा, नहीं तो वो डूवाट में ही फंस के रह जाएगा। अब टावरेट यहां ये भी बता रही है कि कॉन्शियसनेस के कई इंटरसेक्शनल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से एक प्लेन में अभी वो लोग हैं और यही टावरेट एंसेस्ट्रल प्लेन की भी बात करती है। एंसेस्ट्रल प्लेन वही जगह है जहां नए ब्लैक पैंथर हार्डशिप हब खाकर अपने पिता से मिलने जाते हैं। हमने टी चाला और किल मॉन्गर दोनों के केस में ये देखा है। तो यहां एमसीयू ये बात कंफर्म कर रहा है कि एंसेस्ट्रल प्लेन्स इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन सब के ऊपर यहां बात हो रही है मल्टीपल प्लेन्स की जिसका मतलब वैलहैला भी उनमें एग्जिस्ट करता है जो कि है एस्गार्डियंस आफ्टर लाइफ का। अब यहां शुरू होती है मार्क स्पेक्टर की ओरिजिन स्टोरी कि कैसे खेलते खेलते मार्क ने अपने भाई को खो दिया जिसके वजह से उसकी मां ने उसे कभी माफ नहीं किया और वो शिकार बना पेरेंटल अब्यूज का। इसी ट्रॉमेटिक इवेंट ने मार्क को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार बनाया और तभी उसने अपने ट्रॉमा से डील करने के लिए स्टीवन ग्रैंड की पर्सनैलिटी डेवलप करी और ये सच में बहुत ज्यादा सैड पार्ट है इस सीरीज का। एक आइडेंटिटी सारे प्रॉब्लम झेल रही है और दूसरी आइडेंटिटी के लिए सब कुछ सही है। हालांकि कॉमिक्स में मार्क की ट्रॉमेटिक इवेंट इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। कॉमिक्स में मार्क की माँ नहीं थी, उसके उसे पिता नहीं पाला, जहाँ जब उसे एक फैमिली फ्रेंड की सच्चाई पता चलती है और उसी के साथ हुए ट्रॉमेटिक इनकाउंटर के बाद मार्क डीआईडी डेवलप कर लेता है। इसके बाद हमें डुआर्ट में बंदर घुसते हुए दिखते हैं पर यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बंदर यहाँ कर क्या रहे हैं। खैर उसी सीन में अनबैलेंस सोल्स अपने समय से पहले डुआर्ट में पहुंच रहे थे जिसका मतलब ये था कि हेरो ने अपने एमेट को आजाद कर दिया है। अब टैवरेट यहाँ बोल रही है कि खोंशु को आजाद करवाने में वो मार्क की मदद करेगी क्योंकि जिस बॉडी में मार्क वापस जाएगा वो घायल है और उसको हील किया जा सकता है खोंशु के प्रेजेंस में, तभी तो उसे उसका पावरफुल सूट मिलेगा। अब इसके बाद मार्क वापस से डॉक्टर हेरो के ऑफिस में होता है। अब यहाँ ये नहीं समझ आ रहा था कि डॉक्टर हेरो मार्क का इलाज कर रहे हैं या टैवरेट का स्केल बैलेंस करने वाला पार्ट सच है क्योंकि मार्क अपने आप को खोल रहा है उसी तरीके से जैसे हेरो उसे बोल रहा है। जैसे कि हेरो ने मार्क को कहा कि उसे स्टीवन को सब कुछ सच बताना होगा और मार्क बिल्कुल वैसा ही करता है। जहां स्टीवन को मार्क बताता है कि वो बस वो आइडेंटिटी है जिससे वो अपना दुख को दूर रखना चाहता है एंड इसलिए स्टीवन को ये नहीं पता था कि उसकी माँ अब नहीं रही। अब जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा कि सेकंड एपिसोड में लायला स्टीवन से इस बारे में पूछती भी है कि क्या उसने अपनी माँ से फिर से बात करना शुरू कर दिया, जिसपे स्टीवन कहता है कि हाँ, जबकि स्टीवन अपनी माँ से कभी बात ही नहीं कर रहा था। खैर यहीं पर अपनी माँ के बारे में स्टीवन को पता चलता है और उसी टाइम सीन स्विच होके स्टीवन डॉक्टर हेरो के ऑफिस में आ जाता है और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि चीजें मार्क के दिमाग में हो रही है और डॉक्टर हेरो उसे गाइड कर रहा है ताकि वो ठीक हो जाए और एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने लगे। और फिफ्थ एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद स्टीवन डुआर्ट में गिर जाता है और मार्क का स्केल बैलेंस हो जाता है। ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिकेशन था कि मार्क ठीक हो चुका है और उसके बाद स्टीवन वहीं पहुंचता है जहां टैवरेट ने उसे कहा था यानी कि सुकून के मैदान में। तो ये फिफ्थ एपिसोड मार्क स्पेक्टर की ओरिजिन स्टोरी से ज्यादा उसको खुद को माफ करना था और खुद की आइडेंटिटी से उसको खुद को जोड़ना था और इस एपिसोड में उसने यही किया। Mark, I'm here to help you. Do you think that you created Stephen to hide from all of the awful things you've done? Identities are not something to be feared, but something to be welcomed. Stephen, I know you're scared. Hello, man in the mirror. I know you're confused. What are you? You sure you want to know?
will repay my debt for all the things I've done. We'll fight together. I have to finish this. तो यारो एपिसोड 6 की शुरुआत एपिसोड 5 से नहीं बल्कि एपिसोड 4 से शुरू होती है, जहां हैरो ने मार्क को गोली मार दी थी। और हम यहां देखते हैं कि हैरो मार्क की बॉडी से एमेट की उशाब्दी निकालता है, और जैसे ही हैरो को उशाब्दी मिलती है उसकी छड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और कुछ देर बाद लायला मार्क की बॉडी से हैरो का पीछा करने के लिए वो गोल्डन स्कैरब ले लेती है, और उसी के बाद एपिसोड 6 स्पेस पकड़ती है और एक्शन सीन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। और इसी सीन में गॉडेस टैवरेट लायला को मैसेज देने आती है, और अगर आपको पिछला एपिसोड याद होगा तो मार्क और स्टीवन ने टैवरेट को था कि लायला को ये मैसेज दे दे कि उसे खोंशु को रिलीज करना होगा। और इसके बाद लायला हैरो के लोगों में घुल मिलकर पिरामिड में बने हुए चेंबर ऑफ गॉड्स में चली जाती है, और वहीं लायला खोंशु की उशाब्दी को ढूंढने लगती है। और वहीं हैरो एमेट की पावर की मदद से दूसरे गॉड्स के अवतार को मार देता है। और बहुत लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा था ये सीन देख कर कि हैरो इतनी आसानी से इन अवतारों को मार कैसे ले रहा था, जिसका जवाब ये है कि उस टाइम पे वो लोग तैयार नहीं थे। मेरा मतलब है कि उस टाइम पे वो लोग के पास गॉड्स के पावर्स नहीं थे, एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग आम इंसान की तरह थे। खैर, फिर हैरो उन अवतारों को मारने के बाद एमेट की उशाब्दी को तोड़कर एमेट को रिलीज कर देता है, एंड उसी वक्त दूसरी तरफ लायला खोंशु को रिलीज कर देती है। अब यहाँ एमेट भी रिवील करती है कि हैरो के स्केल्स भी बैलेंस्ड नहीं है, और ये चीज सुनकर अब ये चीज एक्सप्लेन्ड हो गई कि हैरो अपने जूते में कांच के टुकड़े क्यों डालता था, क्योंकि वो भी जानता था कि उसके स्केल अनबैलेंस्ड है और इसी रीजंस की वजह से वो खुद को सजा देता था। खैर, एमेट का कहना था कि उसे भी क्राइम कमिट करने से पहले मार देना चाहिए, बट एमेट बोलती है कि लास्ट टाइम जो उसका अवतार था वो परफेक्टली बैलेंस था, मतलब कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्केल्स बैलेंस था, पर फिर भी उसने एमेट को धोखा दे दिया और इसलिए इस बार वो हैरो को अपना अवतार चुनती है। अब एमेट की बातों को सुनकर ये चीज अब क्लियर हो जाता है कि वो अपने हिसाब से लोगों को जज करती है, मतलब कि अगर उसे कोई क्रिमिनल से भी प्रॉफिट है तो उसको वो बचा कर रखेगी। तो हाँ, उसके जजमेंट में एक सेल्फिशनेस है। उधर खोंशु ट्राई करता है कि लायला उसकी अवतार बन जाए क्योंकि मार्क मर चुका है, बट लायला मानती नहीं है एंड खोंशु अकेले ही एमेट को रोकने की कोशिश करता है। पर पहले ही हमें इस सीरीज में एक्सप्लेन किया गया है कि विदाउट अवतार खोंशु कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। अब यहीं से सीन स्विच होता है सुकून के मैदान में, जहां मार्क पहुंच चुका है, मतलब अब एपिसोड 5 की एंडिंग से स्टोरी कनेक्ट होती है। एंड उसके बाद मार्क सुकून के मैदान को छोड़कर वापस स्टीवन के पास आ जाता है। यहाँ अब उतना कुछ हुआ तो नहीं, बस वही हुआ जैसे टैवरेट ने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि ओसारिस के गेट के थ्रू वो अपर वर्ल्ड में आ सकते हैं, एंड सेम वही हुआ। उसके बाद मार्क एंड स्टीवन दोनों ही अपर वर्ल्ड में आ जाते हैं, और वहाँ एमेट एंड खोंशु के बीच में फाइट चल रही होती है। अब देखो, अभी तक जिनको ये बात नहीं पता कि एमेट एंड खोंशु के बीच फाइट क्यों हो रही है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है और वो दोनों चाहते क्या है, तो मैं उन्हें ये बात समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो खोंशु जो है वो भी क्राइम के अगेंस्ट है एंड एमेट भी क्राइम के अगेंस्ट है, पर द डिफरेंस इज कि खोंशु वैसे क्रिमिनल्स को सजा देता है जिन्होंने क्राइम ऑलरेडी कर दिया है, बट एमेट उन लोगों को सजा देती है जो इन फ्यूचर क्राइम कर सकते हैं। इजी वे में बोलूं तो अगर कोई बच्चा इन फ्यूचर क्राइम करने वाला होगा तो एमेट उसे अभी ही सजा दे देगी। और इसी के साथ साथ एमेट के डिसीजन में एक सेल्फिशनेस होगा जो कि ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि उस फ्यूचर क्रिमिनल को कभी चॉइस दिया ही नहीं गया। खैर, अभी सीन में जैसे ही खोंशु को एमेट मारने वाली होती है, खोंशु वहां से बच जाता है मार्क की मदद से, क्योंकि वहां मार्क जिंदा हो जाता है। और पता है मुझे इस एपिसोड में सबसे अच्छा चीज ये लगा कि मार्क एंड स्टीवन पूरे आफ्टर दैट एक्सपीरियंस से जो अंडरस्टैंडिंग आई है उन दोनों में, मतलब कि जो केमिस्ट्री है उन दोनों के बीच, वो मुझे परफेक्ट लगा। एंड खोंशु के पावर के साथ वो दोनों मिलकर जैसे काम करते हैं वो देखने में सही में बहुत मजा आता है। वैसे यहाँ स्टीवन खोंशु से नेगोशिएट करता है कि एमेट को रोकने के बाद खोंशु वो दोनों को छोड़ देगा, जिस पे खोंशु इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद खोंशु मार्क को अपने पावर से कायरो भेज देता है, बिल्कुल सुपरमैन टाइप। कायरो में एमेट एंड उसके फॉलोअर्स सारे लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं लायला को एक गॉड का अवतार रिवील करता है कि अगर इस बार एमेट को रोकना है तो उसे उशाब्दी के जगह मॉर्टल फॉर्म में, मेरा मतलब है कि किसी के बॉडी में कैप्चर करना होगा, जिससे कि उसे मारा जा सके, अदरवाइज वो उशाब्दी से फिर से रिलीज हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए उन्हें कम से कम 2 गॉड्स के अवतार चाहिए। फिर वहीं लायला टैवरेट का अवतार बनने के लिए रेडी हो जाती है एंड हमें एमसीयू में एक नई सुपर हीरो एंट्री मिलती है। अब देखो, ये बात आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि कॉमिक्स में ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं है जो टैबरेट का अवतार बना हो या बनी हो।
तो हाँ ऑफिशियली इसका क्या नाम देंगे ये बताना तो अभी मुश्किल है, पर जो भी नाम देंगे ये कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। फिर यही पूरा फाइट सीक्वेंस चलता है और मैं ये मानता हूँ कि दूसरे सुपर हीरोज की तरह इस सीरीज के फाइट सीन्स और VFX मुझे थोड़े वीक लगे, बट जो इसकी स्टोरी टेलिंग है एंड जो ऑस्कर आइज़ैक की परफॉर्मेंस है इस सीरीज में वो इस सीरीज की सारी वीकनेस को कवर कर देती है। खैर अब यहाँ जब फाइट सीन में ऐसा लगता है कि मार्क हार गया है तभी वो ब्लैकआउट वाला सीन वापस से होता है एंड फिर सब उल्टा हो जाता है, मतलब कि हैरो को बहुत जोर मारा जाता है एंड ऑब्वियसली ये थर्ड पर्सनैलिटी है जिसके बारे में स्टार्टिंग से हिंट दिया जा रहा है। समहाउ थर्ड पर्सनैलिटी के वजह से मार्क एंड स्टीवन यहाँ बच जाते हैं। फिर जैसे लायला को बताया गया था वैसे ही वो दोनों मिलकर हैरो की बॉडी में एमिट को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर होने के बाद खोंशु बोलता है मार्क को कि हैरो को मार दे, पर मार्क इस चीज के लिए रेडी नहीं होता है और मार्क खोंशु को बोलता है कि उसके पास चॉइस है, इसलिए एज पर डील उसने एमिट को रोक दिया तो वो उसे रिलीज कर दे एंड मार्क खोंशु को कहता है कि वो खुद ही हैरो को मारे और ये सुनकर खोंशु वो दोनों को रिलीज कर देता है एंड ऐसा होते ही मार्क अगेन अपनी इमेजिनेशन में पहुंच जाता है। हाँ इस एपिसोड में ये कंफर्म हो जाता है कि वो मेंटल इंस्टीट्यूशन वो मार्क की इमेजिनेशन है। अब जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि मार्क एंड स्टीवन दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं तो इसलिए उनके इमेजिनेशन एंड रियलिटी कोलाइड करने लगते हैं, इसलिए इस सीन में हैरो के फुटस्टेप्स के साथ ब्लड भी दिखता है और फिर स्टीवन एंड मार्क दोनों ही इस इमेजिनेशन से निकलकर रियलिटी पे आ जाते हैं एंड इस एपिसोड की एंडिंग होती है एग्जैक्टली उस शॉट में जहां से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी। तो यारो तुम लोगों को पता ही होगा कि इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। जिनको नहीं पता था ये बात तो तुम लोग जाकर पहले पोस्ट क्रेडिट सीन देख लो कि उसमें हुआ क्या था। खैर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हैरो एक साइकेट्रिक्स हॉस्पिटल में है, मतलब स्टीवन एंड मार्क जो इमेजिन कर रहे थे उसका ठीक ऑपोजिट हुआ और वहां से हैरो को कोई लेने आता है और ये बंदा स्पेनिश में बात करता है और हैरो को व्हील चेयर से हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है। अब इस शॉट में आप एक और QR कोड देख सकते हो जिसको अगर आप लोग स्कैन करोगे तो आप लोग एक और कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। अब यारो ये QR कोड तुम लोग को स्कैन करने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग यहाँ 2019 में आई मून नाइट एनुअल की इशू नंबर 1 को पढ़ सकते हो जिसमें कैंग द कॉन्करर भी था और आप लोगों को पता ही होगा कि इन फ्यूचर कैंग द कॉन्करर का MCU में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। खैर वो स्पेनिश बंदा धक्के मार के हैरो को कार में बैठा देता है और यही हम देखते हैं खोंशु को और हैरो खोंशु को बोलता है कि बिना अवतार के वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसके बाद यही रिवील होता है माँ की थर्ड पर्सनैलिटी का जेक लॉकली जिसका टीज हमें स्टार्टिंग से दिया जा रहा था। फिर जेक यहाँ बिना सोचे हैरो को ठोक देता है मार देता है और इसी सीन में एक और चीज रिवील होता है कि खोंशु कितना बड़ा हरामी है क्योंकि खोंशु को जेक लॉकली के बारे में पहले से ही पता था जिसको वो अभी अपना अवतार बनाया हुआ है एंड इसलिए वो राजी होता है स्टीवन एंड मार्क को छोड़ने के लिए। अब अगर मैं ओवरऑल कहूं कि 5 और 6 एपिसोड में मुझे सबसे अच्छा एपिसोड कौन सा लगा तो वो था 5th एपिसोड क्योंकि जो उसमें हमें मार्क का ट्रॉमा देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था एंड साथ ही साथ काफी सारी चीजें 5th एपिसोड में रिवील भी होती है एंड हमें स्टीवन एंड मार्क के बीच में धीरे धीरे बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग एंड केमिस्ट्री देखने को भी मिलती है। बात करें 6th एपिसोड की तो वो मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब कि एंडिंग अच्छी हुई थी लेकिन एक्शन सीन्स एंड CGI मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। ओवरऑल बात करूं इस सीरीज की तो मुझे मून नाइट सीरीज पसंद आई, इस सीरीज की स्टोरी लाइन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। ऑस्कर आइज़ैक की परफॉर्मेंस के साथ साथ बाकी को एक्टर्स की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी। पर हाँ बात करें इस सीरीज की VFX CGI के बारे में तो वहां मैं डिसअपॉइंट हुआ, पर कोई ना चलता है। खैर बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन था कि क्या ये सीरीज लोकी सीरीज से भी अच्छी है, जिसका जवाब मैं देता हूँ कि नहीं, उतना ज्यादा तो अच्छा नहीं था पर लोकी सीरीज को छोड़कर हाल ही में जितनी भी MCU सीरीज आई है उनसे ये अच्छी थी। मून नाइट सीरीज को मैं रेटिंग देना चाहूंगा 7.9/10 स्टार्स। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शॉर्ट रिव्यू एंड ब्रेकडाउन और आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अगर इस चैनल का इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।